बाबर भैया कैसे आज आपका और हमारा भैया महान मुकाबला होगा? क्या लगता है आज अपनी टीम को जितवा पाओगे या तीसरा मैच हार के शाइन की तरह हैडर करोगे? शाइन बेटा तेरे को क्या हुआ? रजवान मियां कुछ नहीं हुआ, बस बाबर की हार की और आपकी जीत की दुआ कर रहे हैं। भैया पेल देना इनको, हम अकेले यार तीन मैच हार के मुंह लटका के बैठे हैं, साथ में बाबर भी आ जाएगा तो मजा हो जाएगा। अरे बस पुनौती भूतनी के खुद जीत नहीं सकता, अब हमारे पीछे पड़ जाए। अबे भूतनी के तू अकेला ही मुंह लटका के बैठा रे, हम जीत के शान से आगे जाएंगे, तू हर मैच हारेगा हम तो जीतेंगे। बाबर भैया जी तो आप भी हमसे नहीं सकोगे भैया, हमारी टीम ने तो ठान लिया कोई मैच नहीं हारेंगे, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं तो भैया फोकट में आपको मैच दे दें, कुछ हेल्प कर दें, वैसे नहीं जीत सकोगे। रजवान मियां बस करो, हम जीत के दिखाएंगे, हमको नहीं चाहिए आपका खरात में दिया हुआ मैच, हम तो जीतेंगे। लेकिन आपने ऐसा बोल दिया, अब शाइन को लगेगा कि जानबूझ के मैच दे दिया। शाइन भैया हम गा बजा के जीतेंगे, देख लेना। अबे बस करो बाबर भैया, आपके बस की बात नहीं, हम तो केवल तीन मैच हारे, आगे भैया पलटवार करेंगे, इसमें भी भैया कुछ फायदा था, इसलिए हम तो जानबूझ के आ रहे। लेकिन आप नहीं जीत सकोगे, अगर जीते तो वो रजवान का याद होगा। अबे बस कर शाइन भैया, वो तो हमने वैसे ही मजाक में बाबर को बोल दिया कि हम मैच दे देंगे आपको जलाने के लिए, आप तो भैया सचमुच जले पड़े। ये अपने मैचों पर फोकस करो, छोड़ो तेरे बस की बात नहीं है। अबे रजवान मियां बस करो, जो मजा हार में है वो भैया जीत में कहाँ है? वैसे भी भैया हम सबको हैरान करते हैं, हर कोई कह रहा था जीतेंगे लॉर्ड वाले, फिलहाल तीन हारे, अब फिर सबको हैरान करेंगे सीधा टाइटल जीत के। शाइन बेटा बस कर यार, जीता आपसे जाता नहीं है, खेलना आता नहीं है, खामखा भैया फोकट के बहाने नहीं बना, आज तो भैया हम ऐसा कमाल करके जीतेंगे रजवान खुद हैरान हो जाएगा, ये बाबर वालों ने हमारे साथ किया तो क्या किया।